आज की परिस्थिति के अनुरूप एक बड़े दल के नेता के द्वारा एक स्वाभिमानी कौम को दबाने का काम किया जा रहा है। और अब मुखर होकर जैसे हमने विभाजनकारी दमनकारी नीतियों की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध किया था, ऐसे ही विरोध अगर हमें करना पड़ा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसका खामियाजा मेरठ की किठौर विधानसभा, सरधना विधानसभा, हस्तिनापुर विधानसभा ही नहीं आसपास के जनपदों में भी देखने को मिलेगा। या तो नेता चेत जाए के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था अगर अधिकार मिलता नहीं तो छीनना पड़ता है, अगर हमें छीनने की जरूरत पड़ी तो अधिकार को छीना जाएगा। हमने जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर 1.5 वर्ष किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, किसान बने। हमने उनकी विचारधारा के अनुरूप जो गठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ जाट समाज को गठबंधन का साथ हुआ था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि रालोद को कम सीटें दी जा रही है, जबकि जहां जाट संख्या ज्यादा है बावजूद उसके वहां दूसरा कैंडिडेट को उठाया जा रहा है। हमारा रोष इसी बात से है कि जब किसान विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ 1.5 साल तक लड़ता रहा और आज किसान सत्ता को वोट की चोट से जवाब देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में गठबंधन के बड़े नेता ने जो जाट समाज के साथ धोखा किया है उससे समाज में भारी रोष है। और हमारा चेतावनी है कि अगर स्वाभिमानी जाट कौम को उचित प्रतिनिधित्व जिले में नहीं मिला और सुरक्षित सीट पे जब सभी जातियों को, सभी धर्मों को समायोजित किया जा चुका है तो सिवाल खास पे जाट को क्यों नहीं कैंडिडेट बनाया गया। हमारा नेताओं से कहना है कि पुनर्विचार कर अपनी भूल सुधार करें, स्वाभिमान सर्वोपरि है। देखा गया कि पिछली 7 विधानसभा सीट में 3 में, विशेषज्ञों का कहना है कि 7 विधानसभा सीट में 3 में जो है जाट समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, जहां से जीत हासिल कर सकता था राष्ट्रीय लोकदल, बावजूद इसके जाट समाज को टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं कभी कभी गठबंधन में समायोजित होने के साथ साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसको अगर एक बड़ा दल कमजोरी मान ले तो वो कमजोरी नहीं है। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानते हैं और निरंतर लड़ते आते हैं, सत्ता में हम कभी भागीदार रहते नहीं हैं। सिवाल खास की सीट पर गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया है, जबकि जाट समाज से कोई बंदा बहुत अच्छा टिकट लड़ सकता था, चुनाव लड़ सकता था। क्या अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में, मुलायम सिंह जी के संसदीय क्षेत्र में उनकी इच्छा के विपरीत कोई लड़ सकता है? तो चौधरी चरण सिंह की संसदीय क्षेत्र में, उनके पौत्र के संसदीय क्षेत्र में क्यों? अखिलेश जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है उनसे कि स्वाभिमानी जाट कौम के सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो इसका भारी नुकसान आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा।